अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़ HD पाकिस्तान। अलखिदमत न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर SHO शिप थाना जात कंगनपुर में जिला कसूर की पोस्टिंग बोर्ड को जरूर मुलाहजा कीजिएगा। पहले मुझे DPO साहब कसूर ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना कंगनपुर में मुरखा 1 मार्च 2007 को तैनात किया था। बाद में मेरे काम की परफॉर्मेंस को DPO कसूर साहब ने देख कर मुझे इसी थाना में बतौर SHO शिप मुरखा 25 नवम्बर 2007 को तैनात कर दिया। SHO शिप के बोर्ड पर मेरा नाम 79 नंबर पर दर्ज है, जरूर मुलाहजा कीजिएगा। और कंगनपुर की हिस्ट्री का भी जरूर मुलाहजा कीजिएगा जो हम आपको अलखिदमत न्यूज चैनल की स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। इसके बाद मुझे थाना इलाहाबाद जिला कसूर में बतौर SHO तैनात किया गया। इसके बाद मजीद DPO कसूर ने मुझे मुख्तलिफ थाना जात में बतौर SHO तैनात किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जिला कसूर के काफी थाना जात में बतौर SHO शिप पर और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शिप पर तैनात रहा। जिला कसूर में मेरी पोस्टिंग मुख्तलिफ थाना जात में बहुत अच्छी और कामयाब रही। सरदार असगर अली मुजाहिद अफसैती रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, चेयरमैन अलखिदमत वेलफेयर एसोसिएशन बराय रिटायर्ड पुलिस अफसरान सूबा पंजाब रजिस्टर्ड, चीफ लीगल एडवाइजर अलखिदमत न्यूज HD पाकिस्तान। लेंदे पंजाब दा मशहूर कस्बा कंगनपुर, अज तुहानू दसांगे कंगनपुर दा इतिहास। हरियाणे दे सिरसा दा कंगनपुर ते लेंदे पंजाब दा कंगनपुर की एक ही है? श्री गुरु नानक देव जी दा की संबंध रहा है कंगनपुर नाल? रामचंद्र जी अते सीता माता जी दा की संबंध सी कंगनपुर दे नाल? ए वीडियो तुसी देखण तो बाद अपने दोस्तां नाल शेयर करदे होए माण महसूस करोगे। ते आओ जानदे हां कंगनपुर बारे। लेंदे पंजाब दा मशहूर कस्बा है कंगनपुर, जो कि तहसील चूनिया तो 29 किलोमीटर अते जिला कसूर तो 64 किलोमीटर की दूरी ते भारत पाकिस्तान सरहद ते दरिया सतलुज तो कोई 5-6 किलोमीटर की दूरी ते वसया होया है। अगर चढ़दे पंजाब की गल करिए तां जिला फाजिलका की तहसील जलालाबाद दे बिल्कुल सामने है कंगनपुर। ये एक इतिहासिक कस्बा है जो कि 1350 साल पहला कंगना राणी ने आबाद किया। कंगना राणी राजा सिद्धपाल, जो कि तहसील बूरेवाल जिला विहाड़ी दे चक दीवान का रियासत दा राजा सी, उसकी धी सी। राजा सिद्धपाल दियां दो राणियां सन। एक राणी सी राजा दायर दी बेटी, जिहड़ा सिंध दा हुकमरान सी मुहम्मद बिन कासम दे वेले च। दूजी इन्हां दी शादी होई सी चूनिया, जो चूनिया तो राणी सी, उस विच्चों हाजी शेर ते राणी कंगना सी, अते दूजी राणी विच्चों 4 पुत्तर सन। जदों मुहम्मद बिन कासम ने मुल्तान दा एरिया फतेह कीता तां उस समय चक दीवान का इस एरिए विच आउंदा सी। उदों राजा सिद्धपाल दी एक छोटी जी रियासत सी। राजा सिद्धपाल दी पीढ़ी विच ढुड्डी गोत है, भारत अते पाकिस्तान विच भी है। ए इसे करके ढुड्डी राजपूत कहाउंदे हन। जदों मुहम्मद बिन कासम ने ए एरिया फतेह कीता तां उस समें दी गल करिए तां उदों जो कंगना राणी सी, जिन्हां दा इतिहास विच नाम कंगना बरस भी है अते कंगन दास भी है, ए इस दा एक भरा हाजी शेर, ए दोवें मुसलमान हो गए सन। राजा सिद्धपाल दे जो बाकी 4 पुत्तर सन ओ हिंदू ही रहे सन। उन्हां नाल दी रियासत दे विच पनाह लै लई सी। जदों कंगना राणी मुसलमान हो गई फिर इसका नाम बदल के फरखिंदा जमाल रख्या गया। जो राजा सिद्धपाल दे 4 पुत्र हिंदू रहे सन, उन्हां हाजी शेर खान नूं मुसलमान होण दी वजह करके मार दिता सी। फिर कंगना राणी अपने कुछ साथियों नाल हिजरत करके अज कल दे सूबा हरियाणा दे शहर सिरसा चली गई। कुछ समा फिर सिरसा विच गुजारिया। जिस तरह लेंदे पंजाब दे कसूर विच कंगनपुर दा कस्बा है, उवें ही सिरसा विच भी कंगनपुर दा कस्बा है।
ये दोनों ही राणी कंगणा के नाम से कस्बे हैं। फिर राणी कंगणा कुछ समय बाद जो मौजूदा कसूर दे कोल कस्बा कंगणपुर है उत्थे आ गई। ये कंगणपुर पहला एक टिल्ला सी जो कि 224 कनालां विच फैलिया होया है। कुछ समा कंगणा राणी इत्थे रही जदों मुहम्मद बिन कासम मुल्तान नूं छड के वापस चला गया तां ये फिर वापस उत्थे चली गई। बाकी समा इन्हां ने तहसील बूरे वाला जिला विहाड़ी उत्थे गुजारिया अते उत्थे ही फौत हो गए। उत्थे ही इन्हां दी एक कबर बनी हुई है। उसका जो भरा हाजी शेर खां उसका बहुत वड्डा रुतबा सी जिस कोल वली अल्लाह दा दर्जा है। इन्हां दोनों भैण भरावां दी उत्थे कट्ठी ही कबर बनी हुई है। हर साल बहुत वड्डा मेला लगता है। राजा सिद्धपाल दी रियासत भी उत्थे ही सी जिथे इन्हां दा मकबरा है। जदों कंगणा राणी इत्थों चली गई तां इस तों 300-400 साल तक ये एरिया वीरान ही रहा। यह सारा दरिया का एरिया सी। कंगणपुर दोबारा अकबर बादशाह दे राज विच अली अकबर नामी शख्स ने आबाद किया। उस